उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों में जो पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान में रही है उनमें से एक है बहुजन समाज पार्टी। मायावती के नेतृत्व वाली इस पार्टी को फिलहाल एक भी सीट मिल पाएगी इसमें संशय है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक शाम को 5:40 तक के नतीजों में बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है। अभी तक उसने जीती एक भी सीट नहीं है, यानी जिस सीट पर वो आगे चल रही है उस पर भी वो अभी अंतिम निर्णय में अंतिम नतीजों में जीत पाएगी या नहीं इसमें संशय है। एक समय उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टियों में से रही राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही पार्टी बहुजन समाज पार्टी की इस हालत को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कि क्या बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अहमियत को बरकरार रख पाएगी या नहीं, साथ ही मायावती के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत रहा है 12.66 का। अगर पिछले कुछ चुनावों से कंपेयर करें तो 2007 के चुनाव में जब आखिरी बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी उनका वोट परसेंटेज रहा था 30.43%। उस चुनाव में मायावती के नेतृत्व वाली बसपा ने 206 सीटें जीती थी और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। 2012 के चुनाव में भले बसपा की सरकार नहीं बनी लेकिन पार्टी की स्थिति ठीक ठाक थी। उस चुनाव में पार्टी को 25.91% वोट मिले थे, हालांकि सीटें ड्रास्टिक रूप से गिर गई थी और बसपा को उस चुनाव में सिर्फ 80 सीटें मिली थी। इसी तरह 2017 के चुनाव में जब बीजेपी की एक तरफा लहर चली तो मायावती के खाते में बसपा के खाते में सिर्फ 4 सीटें आई थी। यह वही चुनाव थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 297 सीटें जीती थी, एनडीए ने 300 से ज़्यादा सीटें जीती थी और एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में भी 70 सीटें ही आई थी। हालांकि बसपा का वोट बैंक वोट शेयर इस चुनाव में भी ठीक ठाक रहा और उन्हें 22.23% वोट मिले थे। लेकिन अब इस चुनाव में बसपा का वोट परसेंटेज जिस तरह से नीचे आया है वो बसपा के लिए, बसपा के गठबंधन के लिए, शीर्ष नेतृत्व के लिए और खुद मायावती के लिए एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। 12.66% वोट मिलने का मतलब है कि बसपा को पिछले चुनाव से करीब करीब 10% वोट का नुकसान है। 10% वोट सरकार बनाने या गिराने की क्षमता रखते हैं। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी इस समय एक भी सीट जीत पाएगी ये कहने की स्थिति में नहीं है। यानी एक समय जो पार्टी आज से 2007 में जो पार्टी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कर रही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही थी, 2012 तक जो पार्टी सरकार में रही, 10 साल बाद वो पार्टी हाशिए पर पहुंच चुकी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।